मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं आपको। अक्सर आपने कई बार सुना भी होगा और कई खबरों में देखा होगा कि पत्रकार पर कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन राज्य की सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लेती और पत्रकार वही हैं जो सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों की समस्याओं तक सरकार तक पहुँचाते हैं। लेकिन यदि पत्रकारों पर ऐसे हमले होने लगे तो भला लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहाँ जाएगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह पत्रकारों पर भी अपना निशाना साध रहे हैं। पत्रकारों की पिटाई की जा रही है, पहले भी इस तरह के मामले उजागर हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों राज्य सरकारें इन मामलों को या तो गंभीरता से नहीं लेती या फिर पत्रकारों को कुछ नहीं समझती। ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर से आया, जहाँ दबंगों ने एक पत्रकार पर पहले तो हमला किया और फिर एक दूसरे वरिष्ठ पत्रकार पर भी हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक पत्रकार के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही मारपीट का विरोध करने पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला के साथ भी मारपीट हो गई। यह घटना बेहद चौंकाने वाली है और निंदनीय भी है। प्रेस के सभी लोग साथी यानी कि मैं भी इस जो हमला हुआ है इसकी निंदा करता हूँ। दुर्ग जिला प्रेस क्लब ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। इस घटना को लेकर दुर्ग जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष शमशेर खान ने कहा कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार पर हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। पत्रकार विषम परिस्थितियों में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी इनकी विषम परिस्थितियों में पत्रकारों ने अपनी जबरदस्त भूमिका दिखाई, जनहित में समस्याओं को उठाते हैं। पत्रकारों पर आए दिन फर्जी मुकदमे लाद कर पत्रकारों को एक तरह से दबाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट होती है। पत्रकारों को संरक्षण देना सरकार की जिम्मेवारी है और यदि संरक्षण सरकार नहीं देती तो यह बहुत सोच का विषय। इस तरह की घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में शीघ्र पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग अब प्रखर होने लगी है, जिसका उल्लेख कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी किया था। दुर्ग जिला प्रेस क्लब से रवि सोनकर, पवन केशवानी, सौरभ शर्मा, सुरेंद्र राजेंद्र गाड़े, सुनील सोनी, प्रहलाद दुबे तथा शरद अमंसारी समेत कई पत्रकारों ने इसकी निंदा की। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।